हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक सिंह और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गेट स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए। मैंने खुद 3 बार गेट क्वालिफाई किया है और जैसे ही मैंने अपना जब पहला गेट की जर्नी स्टार्ट की, पहली बार एग्ज़ाम दिया, तो मेरे पास रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं थे। उसकी वजह से मेरा गेट में स्कोर उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन जब मुझे पता चला गेट अकेडमी के बारे में, वहाँ पे जो टीचर्स हैं आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपको प्रॉपर प्लान आपको बताते हैं कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे आपका शेड्यूल रहने वाला है, तो मैंने उनको एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। उसकी वजह से मेरा जो गेट में रैंक आया बहुत बढ़िया आया। तो अगर आप भी एवरेज स्टूडेंट हो या मुझसे भी नीचे, मतलब आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप प्रॉपर हार्डवर्क करते हो, प्रॉपर आपके पास प्लान है और स्ट्रेटेजी है, तो आप गेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जो कोर्स है आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है। उसकी वजह से आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा इंप्रूव होने वाला है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज से हो, प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से हो। ऐसा नहीं है कि बस IITian ही गेट क्लियर करते हैं, ठीक है, अच्छे रैंक लाते हैं। अगर आपका स्ट्रेटेजी प्रॉपर है, आपका प्लान प्रॉपर है, आप मेहनत ज़्यादा करते हो, गेट क्या मांगती है, मेहनत मांगती है। अगर आपका मेहनत अच्छा है तो आराम से आप अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग गेट का अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से टेस्ट सीरीज दें, अच्छे से प्लान को फॉलो करें और गेट में अच्छी रैंक लाएं। तब तक के लिए अलविदा। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप लोग शुरुआत में देखे, जिसको आप देखे वो था एक गेट का एस्पिरेंट जो ऑलरेडी गेट 3 times क्लियर कर चुका है और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती कि ये हमारा एक स्टूडेंट रह चुका है। अभी फिलहाल में काफ़ी अच्छी जगह पर जॉब कर रहा है और फ्री टाइम में हम लोगों के लिए कंटेंट का वर्क भी देखता है। तो जब इसने इसकी जर्नी के बारे में मुझे बताया तो मैंने सोचा कि यार जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के दौरान स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन गेट करने के बाद उनकी लाइफ एक अलग मोड पर चली जाती है, एक अलग वे में वो लाइफ को जीने लगते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो कौशिक को कहकर बनवाया आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे चुनौतियां आएगी जिसको देखते हुए हो सकता है कि आप अपने कदम पीछे ले लो, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। आपके सामने फाइनेंशियल कंडीशंस आ सकती है, आपके सामने आपके कॉलेज की कंडीशंस आ सकती है कि अभी कॉलेज गोइंग है, हम डेली कॉलेज जाते हैं, ज़्यादातर समय कॉलेजेस में निकल जाता है, बच्चों के पास पैसा नहीं होता है कोचिंग करने का। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन वाला जो इशू है वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है। काफ़ी सारे कोर्सेज एकदम कम प्राइस में EMI के साथ भी अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल इशू तो मेरे हिसाब से अब नहीं आना चाहिए गेट की तैयारी को लेकर, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक कॉलेज की बात होती है, समय कभी मिलता नहीं है ज़िंदगी में, आपको समय चुराना पड़ता है। तो आपके प्रॉपर प्लानिंग के तहत यदि आप समय चुराते हैं, आप समय निकालते हैं अपने गेट की प्रिपरेशन के लिए, तो यकीनन आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा निकट भविष्य में। तो आप यदि गेट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो मेरी तरफ से आपको पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं, और यदि आप गेट की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, गेट एकेडमी आपके साथ है, अनअकैडमी आपके साथ है, इतने टॉप एजुकेटर यहाँ पर मौजूद है कि इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय टीचिंग में गुजारा है, सब्जेक्ट्स के साथ गुजारा है। हम लोग आपकी जनरेशन के नहीं है कि जो ज़्यादातर फेसबुक और व्हाट्सएप पे घुसे रहे, हम उस जनरेशन से हैं जो ज़्यादातर किताबों में घुसे रहे थे हमारी पढ़ाई के दौरान। तो वही सब चीज़ें हम आपके बीच में रखेंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, समय समय पर आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या स्टाइल में प्रोसीड करना होगा। चाहे आप कोर्स लीजिए या ना लीजिए वो सेकंड मैटर है, आप गेट पास कीजिए या ना कीजिए वो सेकंड मैटर है, लेकिन यदि आप YouTube के भी स्टूडेंट हैं तो भी हम आपको समय समय पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और देखो, जब आप कोई एक प्रॉपर कोर्स लेकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने पैसा दिया है कोर्स खरीदने के लिए, तो आप उसका सदुपयोग करने लगते हैं। जब भी कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो YouTube पर जितना कंटेंट फ्लो होता है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप पैसा खर्च करके, क्योंकि मैं तो इसी मेंटालिटी का व्यक्ति हूँ कि जो चीज़ यदि मैं पैसा देके खरीदा हूँ तो जब तक मैं उसका पूरा पैसा वसूल ना कर लूँ तब तक मैं उसको पूरा यूज़ करता हूँ। तो कोई चीज़ यदि फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन यदि पैसा देके खरीदा जाए तो डेफिनेटली इंसान उस पैसे को वसूल करने के लिए पढ़ता ही है। ये इंडियन मेंटेलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों की मेंटेलिटी है, मेरी तो है, आपकी है कि नहीं पता नहीं। तो बकायदा एक
कोर्स प्लान करिए आप लोग, ये मेरी पर्सनल सलाह है आपके लिए। मैं ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई मार्केटिंग करने आया हूँ कि हमारा कोर्स लो कोर्स लो कोर्स लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी एक सलाह है आपके लिए कि यदि आप कोर्स लेकर पढ़ते हैं तो वो आपका आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके एक प्रॉपर प्लान की तरह वहाँ पर पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जिसके लिए आप कम समय में ही ज़्यादा सारी चीज़ें, ज़्यादा सारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तैयार कर पाते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप गेट के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए सभी प्रकार के कोर्सेस अवेलेबल हैं। अच्छा, कोर्स लेने के बाद भी ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है कि, ना ही स्टूडेंट के साइड से गारंटी होती है, ना ही टीचर के साइड से गारंटी होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा उस डर से यदि आप तैयारी ही नहीं करेंगे तो फिर तो पक्का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप तैयारी करिए, आप अपने कर्म से मत भागिए, फल देने के लिए वो ऊपर वाला बैठा है। आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी, आप बहुत मेहनत करिए। हम लोग अभी यंग एज में हैं तो जितनी मेहनत कर सकते हैं अपना पूरा 100% दीजिए, मैं तो बोलता हूँ मोर देन 100% दीजिए, और अपनी इस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। आप खुद भी अच्छे से पढ़िए, अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए कि गेट का अपना एक अलग महत्व है। आपको हायर एजुकेशन में हेल्प मिलेगी, आपको जॉब में हेल्प मिलेगी। जब आप हमारे पास आएंगे कि सर हमारे पास गेट का स्कोर कार्ड है, तो हम आपको एक अलग नज़र से देखते हैं कि हाँ यार इसमें कुछ टेक्निकल नॉलेज है, हाँ यार इसमें कुछ तो बात है, तभी तो ये गेट क्वालिफाई किया। तो जब आप कंटेंट को अच्छे वे में प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रिपेयर करेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सीखेंगे हर एक चीज का, तब आपका गेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा और अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई होगा। तो अभी से मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, बहुत मेहनत करिए, और कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो गेट अकेडमी आपके साथ खड़ा है, अनअकैडमी आपके साथ खड़ा है। वेबसाइट पर जाकर नंबर ऑफ मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए होते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, गाइडेंस के रिगार्डिंग। टेलीग्राम होते हैं, वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। गेट का मोटिवेशन होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, और इस वीडियो को सभी जगह आप लोग जरूर स्प्रेड करिए ताकि आपका भी भला हो और आपके फ्रेंड्स का भी भला हो।